नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका टारगेट विद गोस्वामी यूट्यूब चैनल में। मैं सुनील गोस्वामी। आज का हमारा महत्वपूर्ण टॉपिक है ये HCS एग्ज़ाम 2018 से रिलेटेड क्लास नंबर 4 है। अभी तक हमने 3 क्लास कंप्लीट कर ली हैं, तो अभी तक आपने नहीं देखी हैं तो आप ज़रूर देखिए, क्योंकि सारे के सारे लेसन हैं वो रिलेटेड हैं हरियाणा करंट अफेयर से। जिन दोस्तों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो सब्सक्राइब कर लें, ताकि हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको समय समय पर मिलता रहे। इसके साथ साथ डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया हुआ है, तो वहां जाके आप उस टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाइए, ताकि आपको हर वीडियो का PDF फाइल है वो वहीं आपको मैं उपलब्ध करा पाऊँ, ताकि आप वीडियो लेक्चर के बाद उसका रिविज़न अच्छे से कर सकें। तो स्टार्ट करते हैं आज का हमारा सेशन। 9वीं एशियन बफेलो कांग्रेस का आयोजन किस ज़िले में किया गया? तो 9वीं एशियन बफेलो कांग्रेस का आयोजन हरियाणा के हिसार ज़िले में किया गया और 1 से 4 फरवरी तक इसका आयोजन चला। अगला क्वेश्चन है, CIRB का निदेशक कौन है? तो सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि CIRB क्या है, इसकी फुल फॉर्म क्या है। तो CIRB सेंट्रल रिसर्च, जो सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ रिसर्च ऑन बफेलो है, ये हिसार में ही है और इसकी स्थापना 1985 में हुई थी। ये नेशनल हाईवे नंबर 9 पे पड़ता है और CIRB के जो डायरेक्टर हैं, निदेशक हैं, वो डॉक्टर इंद्रजीत सिंह हैं। अगला क्वेश्चन, गुरुग्राम से स्वच्छता ब्रांड एम्बेसडर किसे बनाया गया है? तो गुरुग्राम से जो स्वच्छता अभियान चलाया हुआ है भारत में, तो स्वच्छता ब्रांड एम्बेसडर शेखर गुरेरा को बनाया गया है गुरुग्राम से। शेखर गुरेरा एक कार्टूनिस्ट हैं जो कार्टून बनाते हैं। अगला क्वेश्चन है, संत रविदास की 641वीं जयंती पर राज्य स्तरीय विभाजन का आयोजन कहाँ किया गया? तो संत रविदास की जयंती, 641वीं जयंती पर एक राज्य स्तरीय प्रोग्राम होता है, उसका आयोजन हरियाणा के भिवानी ज़िले में किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रेल बजट में से हरियाणा को कितनी राशि मिली है? तो भारत के रेल बजट में से हरियाणा को 1422 करोड़ रुपए दिए गए हैं और 2009 और 2014 के बीच में जो हरियाणा में मात्र 375 करोड़ रुपए रेल बजट पे खर्च हुए थे, तो अब की बार है वो राशि काफ़ी बढ़ा दी गई है, 1422 करोड़ रुपए है। नेक्स्ट है, शिक्षा विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव किसे बनाया गया? तो एक शिक्षा विभाग का अतिरिक्त मुख्य सचिव बनाया गया है, तो वो कौन है? धीरा खंडेलवाल हैं, वो शिक्षा विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, कला संस्कृति का प्रतीक किंगडम ऑफ ड्रीम, कला संस्कृति का प्रतीक किंगडम ऑफ ड्रीम कहाँ स्थित है? तो ये हरियाणा के गुरुग्राम जिले में स्थित है, कला संस्कृति का प्रतीक किंगडम ऑफ ड्रीम। गुरुग्राम हरियाणा की साइबर सिटी है। क्वेश्चन नंबर 67 देखिए, 31 मार्च तक हरियाणा में कितने जिलों में पासपोर्ट केंद्र खोले गए हैं? तो अभी तक हैं वो 6 पासपोर्ट केंद्र खोले जा चुके हैं, हिसार, फरीदाबाद, पंचकुला, गुरुग्राम, करनाल और अंबाला। करनाल और अंबाला में ऑलरेडी पहले ही था, हिसार, फरीदाबाद, पंचकुला, गुरुग्राम, करनाल और अंबाला। तो अभी तक 31 मार्च तक 6 पासपोर्ट केंद्र हरियाणा में खुल चुके हैं। नेक्स्ट पे चलते हैं, खेलो इंडिया स्कूल गेम में चैंपियन कौन सा राज्य रहा? तो खेलो इंडिया स्कूल गेम चैंपियनशिप थी जो, उसमें हरियाणा पहले स्थान पर रहा। दिल्ली में हुए 31 से जनवरी से 8 फरवरी तक जो
खेलो इंडिया प्रोग्राम हुआ, स्कूल गेम्स थे ये, तो इसमें हरियाणा ने 102 मेडल जीते हैं, जिसमें 38 गोल्ड मेडल हैं, 38 ही ब्रॉन्ज हैं और 26 सिल्वर मेडल हैं। तो 102 मेडल के साथ हरियाणा इसमें पहले स्थान पर रहा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नीति आयोग द्वारा जारी स्वास्थ्य सूचकांक में हरियाणा की रैंकिंग क्या है? तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि नीति आयोग है वो योजना आयोग की जगह, प्लानिंग कमीशन की जगह आया है। 1 जनवरी 2015 को नीति आयोग बना और इसके अध्यक्ष हैं वो भारत के प्रधानमंत्री होते हैं, तो अभी वर्तमान अध्यक्ष हैं नरेंद्र मोदी। इसके उपाध्यक्ष हैं डॉक्टर राजीव कुमार और नीति आयोग के सीईओ हैं अमिताभ कांत। तो भारत को इसमें, भारत के इसमें हरियाणा को जो रैंकिंग है स्वास्थ्य सूचकांक में वो 13वीं रैंकिंग मिली है और पहली रैंकिंग है वो केरला को मिली है। इसको मिली है केरल को। तो नीति आयोग द्वारा जारी स्वास्थ्य सूचकांक में हरियाणा को कौन सी रैंकिंग मिली है? 13वीं रैंकिंग मिली है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। हरियाणा के कितने जिलों में तंबाकू नियंत्रण प्रकोष्ठ बनाए गए हैं? तो हरियाणा में टोटल 22 जिले हैं और 22 के 22 जिलों में तंबाकू नियंत्रण प्रकोष्ठ का निर्माण किया गया है। आगे देखिए, भिवानी के किस गांव में 8 करोड़ की लागत से फुटबॉल का ग्राउंड बनेगा? तो भिवानी के अलखपुरा गांव में 8 करोड़ की लागत से एक फुटबॉल स्टेडियम बनाया जाएगा। केजीपी क्या है? कई बार प्रश्न आ जाता है कि केजीपी क्या है, तो कुंडली गाजियाबाद पलवल जो एक्सप्रेस हाईवे है उसको केजीपी बोलते हैं, कुंडली गाजियाबाद पलवल। और एक होता है केएमपी, कुंडली मानेसर पलवल एक्सप्रेस हाईवे, तो ये भी आप ध्यान रखिए। प्रदेश के किस जू के अंदर शेरों को रखा गया है? तो हरियाणा प्रदेश के कौन सा ऐसा जू है जिसके अंदर शेरों को रखा गया? तो ये पीपली का चिड़ियाघर है, पीपली कुरुक्षेत्र में है, वहाँ उस जू में शेरों को रखा गया है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। हरियाणा खादी ग्रामोद्योग बोर्ड के अध्यक्ष कौन है? हरियाणा खादी ग्रामोद्योग बोर्ड के अध्यक्ष तो ये है गार्गी कक्कड़। गार्गी कक्कड़ है वो हरियाणा खादी ग्रामोद्योग बोर्ड अध्यक्ष है और खादी ग्रामोद्योग बोर्ड का जो मुख्यालय है वो पंचकुला में है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। हरियाणा की किस जेल में जल्द ही गौशाला खोली जाएगी? हरियाणा की किस जेल में जल्दी ही गौशाला का निर्माण किया जाएगा? तो ये करनाल जेल में गौशाला खोली जाएगी। और इसके साथ साथ आपको ये पता होना चाहिए कि गौ सेवा आयोग अध्यक्ष कौन है? तो गौ सेवा आयोग अध्यक्ष है भानीराम मंगला। भानीराम मंगला है वो हरियाणा में गौ सेवा आयोग का अध्यक्ष है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। मिसेज एशिया यूके का खिताब किसने जीता है? तो ये दीपिका नंदवानी ने मिस एशिया यूके का खिताब जीता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस विश्वविद्यालय में हाल ही में सभी विद्यार्थियों को सभी सर्टिफिकेट ऑनलाइन देने की बात की है? तो ये कुरुक्षेत्रा विश्वविद्यालय कुरुक्षेत्रा है जिसने अपने सभी विद्यार्थियों को जो सर्टिफिकेट है वो ऑनलाइन देने की बात कही है। हरियाणा में सबसे पहले कुरुक्षेत्रा यूनिवर्सिटी का निर्माण हुआ था 1956 में, 1956 में इसका निर्माण किया गया। और KUK के जो वाइस चांसलर हैं वो कैलाश चंद्र शर्मा हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। उत्तर भारत में केवल पंचकुला में ही बाइक एम्बुलेंस सेवा उपलब्ध है और इस एम्बुलेंस सेवा का नाम क्या है? तो आरोग्यम नाम है इसका। उत्तर भारत में केवल पंचकुला में बाइक एम्बुलेंस सेवा है और इसका नाम है आरोग्यम। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। APJ अब्दुल कलाम के नाम पर देश का पहला विज्ञान केंद्र कहाँ स्थापित किया गया? तो APJ अब्दुल कलाम जो भारत के राष्ट्रपति रहे उन्हीं के नाम पर एक विज्ञान केंद्र खोला गया है हिसार के गुरु जमेश्वर विश्वविद्यालय में, GJU गुरु जमेश्वर विश्वविद्यालय, जिसकी स्थापना 1995
1995 में हुई थी। और इसके साथ साथ ये भी ध्यान रखिए कि GJU गुरु जमेश्वर विश्वविद्यालय का जो वाइस चांसलर है वो प्रोफेसर टंकेश्वर है। आज का हमारा अंतिम क्वेश्चन देखिए, डेयरी साइंस कॉलेज कहाँ खोला गया है? तो डेयरी साइंस कॉलेज है वो हिसार के लाला लाजपत राय यूनिवर्सिटी, लुवास बोलते हैं जिसको, उसमें खोला गया है। लाला लाजपत राय यूनिवर्सिटी की स्थापना 2010 में हुई थी और लाला लाजपत राय यूनिवर्सिटी के जो वाइस चांसलर हैं वो डॉक्टर गुरदयाल सिंह है। कौन है? डॉक्टर गुरदयाल सिंह। तो डेयरी साइंस कॉलेज खोला जाएगा लुवास यूनिवर्सिटी के अंदर ही। तो आज के इस सेशन में, हमारे क्लास नंबर 4 में, आज के लिए इतना ही। और इसके साथ साथ जो फ्रेंड्स ऑनलाइन बैच से जुड़ना चाहते हैं, ये 30 डेज का सुपर ऑनलाइन बैच होगा जिसके अंदर आपको व्हाट्सएप के ज़रिए सारे का सारा स्टडी मटेरियल डे बाय डे प्रोवाइड कराया जाएगा। 100 क्वेश्चन GS PDF, 100 मार्क्स का टेस्ट होगा डेली, हरियाणा जी के नोट्स, हरियाणा करंट अफेयर और इंडिया करंट अफेयर। तो सारा का सारा स्टडी मटेरियल यदि आप ये डे बाय डे करते हैं तो आप 100% है जो HCS एग्ज़ाम प्री है वो क्वालिफाई कर लेंगे। इस प्रोग्राम से रिलेटेड कोई भी इंक्वायरी के लिए आप मुझे व्हाट्सअप कर सकते हैं और इस नंबर पे आप कॉल भी कर सकते हैं। ये मेरा बैच 1 अक्टूबर 2018 से स्टार्ट हो रहा है और आप रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं। तो आप कोई भी जानकारी लेना चाहें तो आप इन नंबरों पे आप मुझे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। आप मेरी वेबसाइट www.targetwithgoswami.com पे भी विजिट कर सकते हैं, वहाँ से आप हैंड रिटन नोट्स PDF के रूप में डाउनलोड कर सकते हैं। तो रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हो गए हैं इस बैच के लिए, आप अपना रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं। इसकी केवल फीस है वो मात्र 500 रुपये रखी गई है। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें ताकि समय समय पर हर जानकारी आप तक पहुंच सके। तो आज के सेशन में इतना ही, आपका दिन शुभ हो, धन्यवाद।